Hello everyone, welcome back on Commerce Hurricanes. As you know, we are doing consumer protection and today we are going to discuss about the consumer rights and responsibilities. So, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसमें बताने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. लेट्स बिगिन. कंज्यूमर राइट्स का मतलब होता है कि कस्टमर को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं जब भी वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करता है. तो जिसमें फर्स्ट राइट जो है वो उसे दिया गया है राइट टू सेफ्टी, जिसका मतलब है कि कस्टमर को हमेशा सेफ प्रोडक्ट देना चाहिए. ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए मार्केट में जो कि उसकी हेल्थ को हैजार्ड ना करे, मतलब नुकसान ना पहुँचाए. सिर्फ इसी राइट की वजह से ही आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर ISI मार्क होता है, फूड आइटम्स पर एग मार्क होता है, अगर आप कोई ऑर्नामेंट्स ले रहे हैं गोल्ड सिल्वर के तो उन पर हॉलमार्क होता है. सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये आपको गारंटी देता है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है. नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, विच मीन्स कि कस्टमर को राइट है कि उसे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए. अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो ये कंज्यूमर का राइट है कि आप उसे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दें, लाइक उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, इंग्रेडिएंट्स, हर चीज़ उसे बताएं. इसी वजह से आपने देखा है प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग होती है और उसके ऊपर पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कस्टमर से कुछ भी नहीं छुपाया जाता. ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू चूज़. राइट टू चूज़ का मतलब कि हम कस्टमर को राइट देते हैं कि आप प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग परचेज कीजिए. जब भी कस्टमर मार्केट में जाता है तो वो सभी क्वालिटी सभी प्रोडक्ट्स को ओपन करवा के देखता है, उन सभी का कंपैरिजन करता है, अपना बजट देखता है, क्वालिटी देखता है और उसके बाद एक डिसीज़न लेता है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है. वो ऐसा क्यों कर पाता है कि उसे क्योंकि उसके पास राइट टू चूज़ है. कभी भी मैन्युफैक्चरर या सेलर उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप ये प्रोडक्ट मत लीजिए, आप ये प्रोडक्ट लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता. कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज़ करे. नेक्स्ट इज़ राइट टू हर्ड. राइट टू बी हर्ड का मतलब कि कस्टमर के पास राइट है कि अगर वो प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई है या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उसे पसंद नहीं आई है और उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सुना जाए. जैसे ही आप सपोज आपने मैन्युफैक्चरर से या सेलर से आपने प्रोडक्ट परचेज किया, घर आकर देखा वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो ये आपके पास राइट है कि आप उसके पास जाएं और उसे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन में निकाला जाए. और इन केस आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपके पास राइट है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ केस कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको क्या दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, राइट टू बी हर्ड, कि आपकी बात को सुना जाए, आपको इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल, विच मीन्स सपोज आपने केस फाइल कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने आपकी बात नहीं मानी, आपने केस फाइल किया, तो अब आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो देना है. तो जब आपको सोल्यूशन दिया जाता है उसे हम कहते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल. सपोज आपका प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया तो क्या क्या सोल्यूशंस दिए जा सकते हैं आपको, या तो आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, या आपकी मनी रिफंड कर दी जाएगी, या प्रोडक्ट के अंदर से डिफेक्ट निकाल दिया जाएगा. ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिड्रेसल मिलेगा ना आपको. सो दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल. नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये सभी राइट्स मीनिंगलेस हैं, बेसलेस हैं अगर कंज्यूमर इन राइट्स के बारे में नहीं जानता. तो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट जो है वो है कंज्यूमर एजुकेशन, कि हर कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, उसे बताया जाए कि उसकी क्या राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं. ठीक है, ताकि कोई भी सेलर उसके साथ किसी भी तरह की चीटिंग ना कर सके. नेक्स्ट है राइट टू बेसिक नीड्स. राइट टू बेसिक नीड्स का मतलब कि हर कस्टमर के पास राइट है कि वो अपनी बेसिक नीड्स लाइक फूड, हेल्थ, शेल्टर के तरफ ध्यान दे सके, उस तरह के प्रोडक्ट्स को वो परचेज कर सके. नेक्स्ट राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. हर कंज्यूमर का राइट है कि उसे हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर को हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दोगे तो ऑब्वियसली कंज्यूमर अफेक्ट होगा, और अगर आप कंज्यूमर को या सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस सही नहीं चलेगा. तो कंज्यूमर के पास राइट है कि उसे हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए. अब जो मेन एग्जाम में आपको लिखने हैं वो 6 राइट्स आप जानते हैं, यहाँ तक के राइट्स इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस में आते हैं. ये जो 2 राइट्स हैं ये हमें किसने दिए हैं, ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO ने हमें प्रोवाइड किए हैं ये वाले 2 राइट्स. तो अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो प्रेफर कीजिए कि ये वाले 6 राइट्स पहले लिखें और उसके बाद ये दोनों लिखें. ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
कंज्यूमर को अपनी राइट्स के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मालूम होनी चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या सर्विसेज लेते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी फोकस होना चाहिए। सिर्फ राइट्स नहीं पता होनी चाहिए आपको, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। सो वट आर द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? फर्स्ट इज़ फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। हमेशा आप स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट परचेज़ कीजिए जिनकी गुड क्वालिटी होती है, राइट? डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को हमेशा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते टाइम क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होंगे तो बाद में अगर वो प्रोडक्ट ख़राब निकलता है तो वो आपकी मिस्टेक मानी जाएगी, वो सेलर की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। सो ऑलवेज़ फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। सेकेंड, रीड लेबल्स केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हम कह सकते हैं डू नॉट बाय ब्लाइंडली। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो लेबल है वो पूरा ध्यान से रीड कीजिए, लाइक उसके इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस एटसेट्रा, सब कुछ ध्यान से पढ़िए। अगर आप सेलर पे विश्वास करके बिना लेबल पढ़े प्रोडक्ट को घर ले आएंगे और उसके बाद आपको कोई नुकसान होता है तो वो आपकी मिस्टेक है, ठीक है, सेलर की नहीं है। सपोज़ आपने एक मेडिसिन परचेज़ की, परचेज़ करते टाइम आपने उसका एक्सपायरी डेट चेक नहीं किया, घर आकर मेडिसिन खाई और आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, तो इसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ब्लाइंडली परचेज किया था। सो ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, यानी कि आप जो भी डीलिंग करते हैं सेलर के साथ वो ऑनेस्टी से होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर आपने, इसका मतलब क्या बना, अगर आपने कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीदा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा, या आप किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग या होल्डिंग में इन्वॉल्व हो तो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं कंज्यूमर्स के लिए होता है जो फेथफुल काम करते हैं और जो ऑनेस्टी से काम करते हैं बट फिर भी उनके साथ फ्रॉड हो जाए तो उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है, राइट? नेक्स्ट इज डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब बिल। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ बिल ज़रूर लेकर आइए। बिल एक तरह का प्रूफ है कि आपने उस पर्सन से सामान खरीदा है। अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सपोज़ आप एक सामान लेकर आए, घर आके आपने देखा कि वो डिफेक्टिव है, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर सेलर के पास जाते हो तो सेलर सबसे पहले यही बोलेगा कि क्या प्रूफ है कि ये सामान मेरा है, मैंने आपको ये प्रोडक्ट नहीं बेचा, व्हाट प्रूफ यू हैव। तो आपके पास एक प्रूफ होता है, अगर आपके पास बिल है तो आप उसे दिखा सकते हो ना कि यस मैंने आप ही से खरीदा और इसमें ये प्रॉब्लम है, करेक्ट? सो ऑलवेज टेक कैश मेमो। नेक्स्ट इज बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट वाइज चॉइस कैन बी मेड। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ताकि जब आप प्रोडक्ट खरीदें तो आप सही और समझदारी से प्रोडक्ट को परचेज करें। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सेलर को जाके बोलेंगे मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मैं नहीं जानता, आपको जो ठीक लगता है वो प्रोडक्ट मुझे दीजिए, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो हमेशा फ्रॉड से बचने के लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़। आपको हमेशा कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाते रहना चाहिए, ताकि आप क्या कर सकते हैं, एजुकेटिंग द कंज्यूमर। आप खुद भी एजुकेट होते रहेंगे और अपने साथ और लोगों को भी एजुकेशन देते रहेंगे, आप कस्टमर को अवेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट इज फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज प्रोडक्ट्स सेफली। हमेशा मैन्युफैक्चरर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अगर आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया और अपना इंटेलिजेंस दिखाया और उसकी वजह से प्रोडक्ट में खराबी आ जाती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं। सपोज़ आप एक वॉशिंग मशीन लेकर आते हो, वॉशिंग मशीन के साथ आपको पैम्फलेट दिया जाता है जिसमें डिटेल पता होता है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, बट इन केस आपने वो चीज़ फॉलो नहीं किया और अपने हिसाब से ही कुछ काम कर दिया जिससे कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है, तो अब इसके लिए आप जिम्मेदार हैं ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो बोलेगा कि मैंने तो ऐसे ऐसे करके डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी बट इन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो ये इनकी मिस्टेक है। इसीलिए हमेशा मैन्युफैक्चरर की बात को पढ़ना चाहिए और उसी को ही फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्टेज। हमेशा ऐसा प्रोडक्ट परचेज कीजिए जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना लेकर आए जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट इज फाइल कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रीवियंसेस। कंज्यूमर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है उसके साथ तो वो फटाफट सेलर को या प्रोड्यूसर को बताए, और अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती तो सीधा उस पर केस करें, ठीक है। अगर आप छोटे से छोटी अमाउंट के लिए भी केस करिए, अगर आपने केस नहीं किया तो क्या होगा, देखिए मोस्टली कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं, 100-50 रुपये की तो बात है, 50-100 रुपये का फ्रॉड हो भी गया तो क्या, इतनी सी अमाउंट के लिए मैं कहाँ कोर्ट कचहरी में जाऊँगा, बट ये आपकी मिस्टेक है। आपने ये देखा कि आपका 50 या 100 रुपीज़ का नुकसान हुआ, आप चुपचाप घर में बैठ गए, मगर ये भी तो सोचिए कि सेलर यही
जो मिसकंडक्ट कर रहा है कितने सारे कंज्यूमर्स के साथ कर रहा है, और वो इस तरीके से कितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है गलत तरीके से, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे ही आपको पता चले कि कोई भी पर्सन ऐसी गलत बात कर रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, ताकि इस तरह की एक्टिविटी को रोका जा सके और बाकी कंज्यूमर्स को भी चीट होने से बचाया जा सके। एंड सेकेंड, हम ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसे अपनी कंप्लेंट लेकर किस फोरम में जाना है। ठीक है, अगर आप सही फोरम में जाएंगे तभी आपको सही ग्रेवियंस मिलेगा। ग्रेवियंस का मतलब सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड कमेंट। थैंक यू।